नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी के इंटरनेशनल बॉर्डर अरनिया सेक्टर के बुलेचक इलाके में, जहां पर कल यानी के सीमा पार से जो कि वायलेशन सीज फायर वायलेशन किए गए और यहां पर यानी गोलाबारी के साथ साथ मोर्टार भी फेंके गए। हम इसी में उसी घर पर हैं और इस समय घर पे पूरे दृश्य हम आपको बता रहे हैं किस तरह से तरनजीत सिंह टोनी जो हाथ में इनके मोर्टार लिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं इस समय, और साथ ही साथ किस तरह से कितनी जोर से ये गोलाबारी हुई है, जिसके चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इनकी जो किचन है पूरी तरह से हुई है और भी यहाँ पर चार गोले लगभग पड़े, एक यहाँ पर, एक सामने खेत में और एक उस साइड जो ऊपर के हम आपको दृश्य समय बता रहे हैं दूर के, एक खेत में पड़े और एक यहाँ पर जो सामने हम दृश्य बता रहे हैं जो इस साइड की, यानी कि चार गोले लगभग जो हमारे तक खबर पहुंची है यहाँ पर पहुंचे, और जिसके चलते जो सबसे पास का लगभग आधा की दूरी पर वो हम आपको बता रहे हैं जो पाकिस्तान की चौक के सामने साफ नजर आ रही है, वहां पर वो इस समय दूर जो आधा किलोमीटर की दूरी पर इस समय हम खड़े हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की जो सीमा है बिल्कुल सामने हमें नजर आ रही है। और इस समय देख रहे हैं आधे किलोमीटर की दूर पर सीमा पार हम आपको जो दिखा रहे हैं दृश्य, ये जो सामने एक टॉवर है भारत की जो पोस्ट है ये है और उसके पार जो है बिल्कुल आधा किलोमीटर लगभग का जो डिस्टेंस है, इस समय हम आपको वहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान ने फिर से एक बार कायराना हरकत की है, नापाक हरकत की है, जिसके चलते उन्होंने कल रात को किस तरह से अरनिया के यानी बुलेचक के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो कि एकदम से जो गोलाबारी शुरू की, साथ ही साथ मोर्टार शेलिंग भी की और जिसके चलते लोगों ने रातों रात ही अपने माल मवेशी के साथ यहां से कूच किया है, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि यहां पर जिसमें दो हमारे जवान जिन्हें जख्मी हुए हैं, एक महिला भी जख्मी हुई है, पर अफसोस की बात है यहाँ पर अभी तक एसडी महाराजपुरा पहुंची है और डीडीसी जो है तरनजीत सिंह टोनी सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं, पर हर बार इस तरह की पहली बार नहीं, हर बार ऐसे ही होता है, पर इन्हें बार बार फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ये पहली बार ऐसी चीज़ें नहीं बल्कि बार बार ऐसी चीज़ें होती है और बार बार इन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हुई ऐसा यानी कि इस तरह से वायलेशन होती है और उसके बाद फिर से कुछ देर के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आती हरकत में आती है, उसके बाद फिर से कुछ देर के बाद ये लोग भूल जाते हैं। और देख रहे पूरे हालात, आप घर के हालात देख रहे हैं पूरी, यानी कि किस कदर से अगर जान भी किसी की जा सकती थी, किस तेजी के साथ यहाँ पर आकर जो गोलाबारी हुई है, जिसमें पूरी तरह से जो किचन है, इवन के किचन के अंदर का जो फ्रिज है आप देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इस समय हम उसी जगह पर हैं जहां पर कल रात को यानी कि सीमा पार से वायलेशन सीज फायर वायलेशन किया गया, गोलाबारी हुई जिसमें यहां के लोगों को प्लान करना पड़ा, जो किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे थे अपने खेतों में थे इस समय, जो कि जो फसलों की कटाई का इस समय मौसम है, उन्हें भी भागना पड़ा वहां से छोड़कर। और यहाँ पर आज क्या है? हर रात अब इन्हें मुश्किल में किस डर के और दहशत के माहौल में गुजार रहे होंगे, आप भली भांति समझ सकते हैं। और 2014 में जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि बार बार कहा जाता था, और इसे मैं देख रहे हैं आप टोनी भैया और टोनी भैया बोलो सर पूरी तरह से किचन और वॉश मशीन बार बिल्कुल टूट चुका है, क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हो चुका है। और लोग देखिए यहाँ पर बैठे
मौजूद है इस समय लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि बताने से अरनिया के बुलेचक इलाके में और हमारे साथ यहाँ के DDC तरनजीत सिंह टोनी भी मौजूद है पूरी स्थिति का यहाँ और किस तरह से जी तरनजीत सिंह टोनी जी ये पहली बार नहीं हमेशा ऐसा सीमा पार से वायलेशन किए गए सीज फायर वायलेशन होता है और जिसमें किसान भाई हैं जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं काफी दिक्कतों का सामना करो और हर रात इन्हें दहशत में गुजारनी पड़ती है। बिल्कुल देखें जब फायरिंग शुरू होती है वो कोई लिहाज नहीं करती। ये इस बार छावनी पोस्ट से आया जी। वो देखें वो हमारी देवीगढ़ की पोस्ट है और वो सामने वो जो है पाकिस्तान की पोस्ट है जी। वहाँ से फायर आ रहा है इस वक्त जी। और एक फायर एक तो वो गिरा रात को वो गिरा है वो सामने देखें वो काली जगह नजर आ रही है वो खेत के बीचों बीच वो गिरा है। एक ये जो जगह नजर आ रही है ये सामने जो पूरा खराबा हुआ हुआ ये इसके बीच में गिरा है बीचों बीच गिरा है और एक इस गांव के इस तरफ गिरा है जी। एक और आगे जाके गिरा है जी। पांचवा इसके घर में गिरा है पवन के। तो आप समझ रहे हैं कि किस दहशत में ये रह रहे होंगे। एक अफसर मेरे सरपंच को कह रहा था आप नाम लेते हुए फिर बोलेंगे हम जाती करेंगे तो वो कह रहा है कि आप ना 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से वो दूसरा बंकर आप वहाँ क्यों नहीं भाग गए। अच्छा यहाँ पर बंकर इस गांव में 5 साल पहले मेरे सरपंच सर्वजीत ने लिस्ट दी थी वो लिस्ट पता नहीं किस जगह डस्टबिन में पड़ी हुई है तहसीलदार को सबमिट करा दी उसका क्या बना क्या नहीं बना या इसी का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान दोबारा गोला फेंके फिर बनाएंगे तो वो वहीं धूल चाट रही है फाइलों में। वो लिस्ट आज पूछ रहे थे कोई के वो लिस्ट की कॉपी है दोबारा मीन्स पता नहीं उनको कहाँ है वो लिस्ट पता नहीं दी हुई लिस्ट पता ही नहीं है कहाँ है वो फाइल। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रशासन हमको यहाँ नहीं चाहिए ऐसे लोग नालायक लोग नहीं चाहिए यहाँ पर। मैं आपको बताऊं लोग रो रहे थे कल ACS होम के सामने के हमारे इलाके की गिरदौरियां पेंडिंग पड़ी हैं लेकिन अगर रेवेन्यू स्टाफ को पैसे दे दिए जाएं तो वो रावलपिंडी का भी फर्द काट के आ जाएंगे जी। यहाँ अगर बोला जाए गिरदौरी तो बोलेंगे स्टाफ नहीं है। तो इस तरह मैं कह रहा हूं कि जो एक्चुअल में जमीनी सतह पे जो प्लान बनता है वो यहाँ पर गलत बन जाता है। बाबू लोग ब्यूरोक्रेट ऊपर बैठ के दफ्तरों में जो प्लान बनाते हैं फॉल्टी बंकर बना दिए कम्युनिटी बंकर कभी भी कामयाब नहीं होता। और ये बंकर आप लोगों को उस बंकर को कॉस्ट को जो है बाइफरकेट करें लोगों को घरों में बंकर दे दें वो घर में बनाएंगे संभाल के भी रखेंगे और बढ़िया भी रखेंगे और बचेंगे भी। बिल्कुल। और आपने अभी मैं आपको देवीगढ़ में बंकर है अभी दिखाने जाता हूँ इस गांव में तो बंकर है नहीं कोई आप वहां चलना इतना इतना कमर जितना पानी है चीकड़ है और कईयों में सांप है मच्छर है बिच्छू है हर तरह का कीड़ा प्राणी वहां पर है वो बम गोले से शायद बच जाए लेकिन बंकर में जाएगा तो शायद कोई सांप काट के तो मर जाए। कल से यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन आए यहाँ पर देखें पुलिस प्रशासन के जो लोग थे यहाँ का जो चौकी अफसर है करण सिंह वो सारी रात भागता रहा लोगों के बीच में जो करता काम उसकी तारीफ भी करेंगे। पुलिस के प्रशासन के लोग भी ये हरा पीर में मेरा सरपंच है उसके साथ बैठे रहे हैं मैं जब भी बात कर रहा था वो कह रहे थे यहाँ से बैठे हैं यहाँ बैठे हैं SSP साहब से बात हुई है तो SP बॉर्डर जो है हमारे इधर के रमनीश जी निखिल जो हमारा DSP है वो सारे यहाँ पे बैठे थे SHO भी बैठे थे लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बात करने की बात करें तो मैं समझता हूँ उसमें बड़ी टोन अप करने की ज़रूरत है। DC साहब को मेहनत करनी होगी यहाँ पे जितने लोग ज़्यादा देर से बैठे हैं उन सबको उठा लें रेवेन्यू में खासकर चाहे वो तहसीलदार है नायब तहसीलदार है कोई पटवारी है इनको यहाँ से उठा लें सुचेतगढ़ से ये हमारी मांग है। मैंने कल ये ACS होम के सामने भी कही दोबारा कहता हूँ क्योंकि नलायक अफसर नहीं चाहिए जो गिरदौरी नहीं कर सकते वो गोलियों में कहाँ आएंगे। बिल्कुल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो है इसका मुआवजा दिया जाए जो पहले मुआवजे हैं वो क्लियर किए जाए। मैं LG साहब से कहूंगा कि 5 मरले के प्लाट अगर अखनूर में दिए हैं तो इन लोगों को देने में क्या दिक्कत है 5-5 मरले के प्लाट जो डिच के इधर जो गांव हैं सारे वायदा भी तो किया गया था क्योंकि 2014 में अमित शाह जी की रैली थी आरसपुरा में वहां पे राशन कार्ड इकट्ठे किए गए और वादा किया गया कि आपको ये यहां पे 5-5 मरले के प्लाट सेफर जोन में दिए जाएंगे जम्मू में लेकिन आज तक नहीं दिए इस इलाके में किसी को एक को भी नहीं मिला। तो मैं मांग करता हूं कि वो जो 5 मरले की प्लाट LG साहब कर रहे हैं वो इन लोगों को जरूरत है क्योंकि ये पाकिस्तान जो मुल्क है इस पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कितना ही सीज फायर वायलेशन कब कर ले कब वो कभी भी अपने वादे से पलट सकता है कभी भी वो बैकस्टैब कर सकता है जो उसकी हमेशा की आदत रही है। ये थे हमारे साथ DDC सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह चोनी और जिस तरह से हमने बताया बिल्कुल जिस जगह से गोलाबारी रात को हुई हम बिल्कुल उसके आधा किलोमीटर सामने हैं
बिल्कुल उसी जगह जहाँ से गोलाबारी रात को जिस घर में हुई, हम उसी घर की छत पर खड़े हैं। कोई भरोसा नहीं कब वहाँ से फिर से पाकिस्तान अपनी कायर हरकत फिर से कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का काम है कि बार बार ऐसी नाकार हरकत करना, नापाक हरकत करना, कायर हरकत करना। तो जिसकी आपने देखा सामने सबूत देखा, किस तरह से वो फ्रिज देखिए, वो फ्रिज देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, कितनी बुरी तरह से। आओ चलो और देखो, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये किचन का हाल है। अगर खुद सोचिए अगर कोई व्यक्ति होता क्या हालत होती उसके, किस कदर चिथड़े उड़ जाते। और फ्रिज के किस तरह से किचन पूरी यानी तबाह हो चुकी है। तो क्यों इन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि 2014 में जब वायदा किया था अमित शाह जी की रैली में कि इन्हें 5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे सेफ जोन में, तो आज तक वो सेफ जोन नहीं बन पाया इनके लिए। हाँ, वोट बैंक के लिए इन्हें रखा है, इन किसान भाइयों के लिए, इन बॉर्डर एरियाज के लोगों के लिए। सिर्फ क्या वोट बैंक की राजनीति तक ही ये लोग हैं? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इन्हें डर नहीं है? हमेशा दिन रात ये डर के साए में जी रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? भोले भाले लोग हैं, जैसे आप कहते हैं वैसे ही उसी पे विश्वास कर लेते हैं। आखिर कब तक? आए दिन ऐसा होता है, प्रशासन थोड़ी देर के लिए आएगा, प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, दिलासा देंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे, फिर माहौल ठीक होगा, फिर ये वापस अपने घरों को आएंगे। फिर अचानक से सीमा पार से फिर से नापाक हरकत होगी, सीमा पार से फिर से कायर हरकत होगी, फिर उसका शिकार होंगे। ये तो भगवान का शुक्र है किसी की जान नहीं गई, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई मालवीवशी हो। पर जब खुद सोचिए जान पर बनमाई हो, इस तरह से गोलाबारी हो, किस तरह से लोग रातों रात अपनी जान को बचाकर भागते होंगे। ये तो वही जान सकता हो जो जिस समय उसके घर के ऊपर इस तरह से आपदा आई हो। तो प्रशासन और सरकार को अब कड़े कदम उठाने हो। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लोकल को बार बार कहने के बावजूद कि बंकर की इन्होंने डिटेल दिया भी या रिकमेंडेशन भी दी कि यहाँ पर बंकर बनाए जाएं, पर पूरे इस एरिया में सिर्फ 5 बंकर, उन्होंने कहा बंकर ही नहीं, और जो बंकर है वहाँ पर भी पूरे यहाँ तक पानी भरा हुआ है जिसमें सांप बिच्छू की तादाद है। क्या आपकी जिम्मेदारी यहीं तक है? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।